अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है सर की। अब हम वापस पार्क जा रहे हैं। आज का थीम कुछ ये है कि बाहर एक बिजनेस मटेरियल नहीं था, मतलब बाहर जाने का कुछ सोचा भी ना। आज पूरे दिन टाइमिंग बिठाएंगे घर में, फिर टाइम करता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं, अभी अजान हो गया दौर में, तो दौर की नमाज पढ़नी है। सुबह बारिश हुई थी, आदमी है उसके से पूरा रास्ता खराब, तो बस बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मस्जिद के सामने के रास्ते खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब होने का ऐसा बात है। तो मौल आजम को भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए कि भाई इस चीज़ से बात कर रही है और मस्जिद वाले को ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस तरफ ऐसा काम किया जाए ताकि नापाकी से बचे जाए, कपड़े नापाक में भी नमाज में बहुत इशू है। तो दौर की नमाज में टाइम होता है और अजान भी हो रही है, अजान एंड होती है तो नाश्ता करते हैं, फिर नमाज के लिए मदद चाहिए। ठीक है, देखें सुबह होते साथ ही व्लॉग देखी जा रही है बाबे की। मॉर्निंग ही ऐसी की है भाई, जब तक नाश्ता नहीं आ रहा तो हमने सोचा कि भाई मैं और छोटे ने बल के सोचा है कि ना डाइनिंग रूम साफ़ किया ताकि घर भी साफ़ हो जाएगा। आज छुट्टी गई है तो घर भी कुछ काम नहीं किया सबसे साफ। तो भाई हमने सोफे साफ़ कर दिए, ड्राइंग रूम फटाफट साफ़ कर दिया गया हमने। ठीक है, अब टाइम देख सकते हैं थोड़ा कम रहता है, 10 मिनट है, 5 मिनट को भी तो फिर साफ होता है। काम मुश्किल था लेकिन फटाफट हो गया और जल्दी हो गया। बहुत भूख लग रही है, नाश्ता मिल जाए। अच्छा जी, वो नाश्ता आ गया, बैठ गए नाश्ते, फिर उसके बाद नमाज चले जाते हैं। नाश्ता फटाफट करेंगे, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं तो 5 मिनट फटाफट नाश्ता करेंगे। जी तो नाश्ता कर लिया है तो अब चलते हैं नमाज। नमाज पढ़ ली हमने तो अब बस घर के अंदर जा रहे हैं। जी तो नमाज पढ़ ली है और वापस घर आ गए, तो घर पे बकिया सुन्नत से पढ़ेंगे। घर पे सुन्नत से पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि जो घर होता है, मतलब ये हदीस में भी है कि अपने घर को भी जन्नत बनाओ, तो वो कैसे बनती है कि घर में भी इबादत चाहिए। सिर्फ मस्जिद में मतलब फ़र्ज पढ़ लें और घर आके सदमे वगैरह पढ़ लें तो इससे घर में ही बरकतें होती हैं और आपके घर में मतलब परेशानियाँ बुराइयाँ भी नहीं आती। बहुत ही बुरा हाल हो जाता है बारिश के बाद, एक तो गर्मी बढ़ जाती है, दूसरा मक्खियाँ भरपूर आ जाती हैं, इतनी सारी मक्खियाँ आई हैं ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी मक्खीस्तान है। अच्छा जी, तो पूरे दिन बहुत जोर गुजरे हैं, अब बाहर जाने का सोचा कि भाई थोड़ा टाइम पास बाहर जाके कर लें, गाड़ी में थोड़ा सा घूम के आ जाए, थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाए। घर में बैठा बैठा बगर हो गया, कोई काम नहीं है, थोड़ा मार भी पड़ रही है और सुनते वगैरह पड़ रही है, बस बोर ही बैठा हुआ, सफाई वगैरह भी कर ली लेकिन कोई खास काम नहीं कर पाए। अभी फिर बाहर जा रहे हैं तो फिर चेक कर लें, शायद थोड़ा टाइम पास हो जाए वहाँ पर। पागल बन के दिखा दे बिना बच्ची को जरा, ओ लड़का पागल बन चले खड़ा होके जरा सुरू डाल बच्ची को। गाड़ी में बैठ गए,
अब बस निकलेंगे चला दो खत मेरे को शायरियाँ राख करो, फुर्सत ना थी तुम्हें फुर्कत में याद करो, मुझे हर तरफ अब मेरी खामोशियाँ, तुम धीमे ले जो मैं अपन कहे कोई बात करो। KFC आ गए और नज़ारे पीछे के बहुत गंदे हो गए, बहुत गंदे नज़ारे देखें। इस वजह से हमने सोचा गाड़ी यहाँ लाई नहीं, रोड पे खड़ी की है गाड़ी, फिर पैदल चल के यार। KFC बहुत ही करीब आ गया, बस ये नज़ारे रोड के तो थोड़ा सा आगे से पार कर वही फाइनली KFC में एंटर होगा। I love the chase and the hunt and I set the KFC के बाद होल्डिंग लेफ्ट थी, होल्डिंग लेके आ गया था, थोड़ी दूर खड़ी की थी, 12 से 15 साल लंबा सफ़र करके ये गाड़ी जब और ये गंदा सफ़र भी करते लंबा और गंदा दोनों। अच्छा जी, तो गाइस अब हमने सोचा कि पार्क में और ऐसे मौसम में पार्क में बैठना भी बहुत सुकून दे, तो आए पार्क चलते हैं, ये पार्क है, पार्क के अंदर चलते हैं। वैसे तो पार्क का माहौल भी बहुत अच्छा है, ऐसा ज़बरदस्त बिल्कुल लंबी सीढ़ी सा हो रहा है, बहुत टाइट मौसम और यहाँ पार्क वगैरह में काफ़ी फैमिलीज भी आई हैं, बस हम भी इंजॉय करना है। नमाज भी बहुत ज़रूरी है, नमाज का टाइम हो गया है, अब जमात तो निकल गई है, तो हमने सोचा है कि भाई पार्क में ही कहीं इंतज़ामिया से पूछते हैं नमाज़ पढ़ने की कुछ जगह अवेलेबल है, तो वहीं नमाज़ हम अदा कर लेंगे जमात से या अपनी खुद, तो आए देखते हैं कोई ऐसी जगह मिलती है या नहीं, नहीं तो फिर मदद फाइंड करनी जी। तो पार्क में तो जगह नहीं मिली, अब फाइनली हमने मस्जिद फाइंड कर ली है, तो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, रास्ता काफ़ी खतरनाक है या अजीब गरीब भी है, ये देखो ये रास्ता, अब इस रास्ते से जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज भी बहुत ज़रूरी है भाई, सारे काम दुनिया के होते रहते हैं लेकिन नमाज वाजिब है और ज़रूर पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है सर की, अब हम वापस पार्क जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको नमाज का बताया था, तो कोशिश हमने की और अल्लाह ने हमें मदद ढूंढवा दी ताकि हम नमाज पढ़ सकें, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद ही मगरिब का टाइम हो जाएगा, फिर नमाज निकल जाएगी और खासा नमाज पढ़ना अच्छी बात नहीं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मिल गई। अब फिर वापस पार्क जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ही रह गया फिर वापस। जो टाइम हो गया है मगरिब का होने वाला टाइम, तो काफ़ी टाइम पास कर लिया है, अब पार्क अल्लाह हाफिज कह के बाहर पार्क गाड़ी पार्क हुई है वहाँ जा रहे उठा के। अब हम अल्पाइन आ गए आइसक्रीम खाने, घर वापस आ गए, पूरा दिन घूम के। तो गाइस रात के खाने का टाइम हो गया है और रात के खाने में बना है चपनी कबाब, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं मेरी अम्मी के हाथों, तो बस वो कबाब खा के वापस आते हैं, आज के जो पूरा दिन का ब्लॉग था वो एंड कर।
गाइस सीन कुछ ये है कि खाना खा चुकी हैं और बहुत अच्छे बने थे कबाब। आपको वीडियो में मैंने पिक्चर भी दिखाई है कबाब की, तो बहुत ही अच्छे बने थे माशाल्लाह से कबाब। और आज के पूरे दिन का जो ब्लॉग था, सुबह बहुत फारिग गुजर रहा था दिन, बोर भी गुजर रहा था, फिर शाम से जब बाहर निकला तो बस चलता ही रहा हर जगह इधर उधर, मतलब कोई जगह ऐसी थी कि हर जगह मतलब घर आके नींद आना शुरू हो गई। तो बस आज का ब्लॉग यहीं इख्तिताम करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।